अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मेलिसस ऑफ सैमोस के बारे में। ये जो है, ये मेलिसस ऑफ सैमोस है, इनकी पैदाइश और वफात के बारे में कुछ खास पता नहीं है। बहरहाल इनकी पैदाइश जो है वो 5वीं सेंचुरी BC में हुई। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये आप लोगों को पता ही है। तो इन्होंने भी जो है ना, अपनी किताब जो है ना, उसका उन्वान रखा ऑन नेचर, यानी कि जो है ना, ये दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये जिनाफनीज और अपने उस्ताद पारमेनिडीज से जो है वो मुतासर थे। तो इनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जो है ना, इन्होंने एक एज ए कमांडर जो है ना, एक वार में हिस्सा लिया। उस वार का नाम था सैमियन वार। तो उस वार में इन्होंने एज ए कमांडर हिस्सा लिया, तो जो मुखालिफ जो थी जो है ना, वो फौज थी, उसको शिकस्त दी। बहरहाल आगे जाके इन्होंने जो है वो सेम जो है ना, अपने उस्ताद की जो फिलासफी है उसी को जो है ना वो कंटिन्यू किया। थोड़ा सा इन्होंने इख्तलाफ किया, वो क्या इख्तलाफ है, बहरहाल इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो मेटाफिजिक्स में ही था। एलियाटिक स्कूल के ये तीसरे और आखिरी ये फिलासफर थे। इनका भी सेम अपने उस्ताद के जैसे ख्याल था, यानी कि नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, यानी कि जो बीइंग है और जो नॉन बीइंग है, इन दोनों के इंटरेक्शन के नतीजे में कोई चीज़ तब्दील होती है या कोई नई चीज़ बनती है। तो इसीलिए उनके उस्ताद का जो कहना था, जो चीज़ है और जो चीज़ नहीं है, तो जब जो चीज़ है ही नहीं है, उसका बीइंग जो है, यानी कि जो चीज़ है उसके साथ इंटरेक्शन मुमकिन ही नहीं है, तो इसीलिए कायनात में या दुनिया में किसी किस्म की कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो इनका जो है ना, मेन जो इख्तलाफ ये था पारमेनिडीज से। पारमेनिडीज का ये कहना था कि जो टाइम है ना, जो वक्त है, वो चेंजेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे पारमेनिडीज का ये ख्याल था कि अभी जिस लम्हे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये जो ये लम्हा है, ये जो एक सेकंड है या जो एक मिनट है, आप लम्हे को जितना भी मतलब जो है ना एक्सटेंड कर ले, ये मतलब ये एक ही लम्हे में पूरी दुनिया जो है ना, पीछे भी जो गुजरी है या जो आगे भी गुजरेगी, ये एक ही लम्हे में है। मेलिसस का ये ख्याल था कि नहीं, जो है ना, टाइम जो है ना वो चेंजेबल है। आगे इनका जो ख्याल था पारमेनिडीज का कि जो रियलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जैसे कि ये मेरा जो जिससे मैं यहाँ पे आके हाथ खत्म हो जाता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये लिमिटेड है। लेकिन इनका ये ख्याल था कि जो कायनात है वो लिमिटलेस है, इन्फिनिट है, उसकी कोई जो है ना वो लिमिट नहीं है। बहरहाल इनका जो काम था, इन्होंने जो है ना अपनी किताब जो ऑन नेचर के ऊपर लिखी, वो प्रोज में लिखी। इससे पहले जो है ना वो जिनाफनीज और पारमेनिडीज ने जो अपनी किताबें लिखी वो लिखी, उन्होंने जो ऑन नेचर के ऊपर ही उनका उन्वान था, लेकिन उन्होंने जो है वो हेक्सामीटर में इनको लिखा। इसका फायदा ये हुआ कि जो मेलिसस ने जो अपनी किताब लिखी, जो प्रोज में लिखी थी, इसको बाद में आने वाले जो फिलासफर थे जैसे कि सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, उन्होंने जो है ना इसकी किताब को समझ के जो मेन जो एलियाटिक स्कूल ऑफ थॉट था उसको समझा।